मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय में बोर्ड की अंतिम बैठक आज नगर निगम सभागार में संपन्न हुई। बोर्ड की अंतिम बैठक में मेयर और पार्षद भावुक होते नजर आए। शेरो शायरी सहित शुरू हुई बोर्ड की बैठक का समापन भी चंद लाइनों में ही किया गया। इस दौरान पार्षदों ने 5 वर्ष तक एक साथ काम करने के मौके पर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी, तो वहीं विकास के कार्यों पर नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी घेरा। इस दौरान बोर्ड बैठक में शामिल निगम के कर्मचारियों के मिले सहयोग पर निगम के पार्षदों ने आभार जताया। माहौल को समझते हुए मुरादाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त संजय चौहान भी इस दौरान पीछे नजर नहीं आए और उन्होंने भी पार्षदों के वार्ड में 3.5 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए जाने का ऐलान कर दिया। पूरे 5 वर्ष की शिकायतों और मेलझोल भरे इस कार्यकाल में सभी ने विकास के कार्यों पर जोर दिया। नगर निगम के सभागार में चल रही बोर्ड की बैठक में सभी पार्षदों ने बारी बारी से अपनी बात रखी और भावुक होते हुए नगर निगम से विदा ली। इस दौरान सभी ने कहा कि अगली बोर्ड की बैठक में जो भी पार्षद साथ होंगे उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल और पदेन सदस्य गोपाल अंजान ने सभी को आगामी निकाय चुनाव की शुभकामनाएं दी, साथ ही फिर से जीत हासिल कर बोर्ड की बैठक में शामिल होने का आशीर्वाद दिया। सदस्य के रूप में आज इस बोर्ड की अंतिम बैठक में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई है। विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसके मायने हैं कि हमारी सरकार को अंतर्मन से विपक्ष भी स्वीकार करता है कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास रखते हैं। उसी आधार पर सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप नगर निगम काम कर रहा है। नगर निगम के माननीय महापौर और माननीय पार्षद गणों ने जो उत्कृष्ट कार्य किए उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद। क्या कहेंगे? 5 साल बेमिसाल। 5 साल में मुरादाबाद ने अपनी नई ऊंचाइयों को छुआ है और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार, सरकार की हमारी नीतियों के अनुसार अधिक से अधिक कार्य करने का कार्य हुआ है। आज पहली बार सदन में विपक्ष ने भी एक साथ मिलकर कार्यकाल की तारीफ करी है, यही उपलब्धि है। बाकी तो लोग आएंगे जाएंगे, नए लोग आएंगे, परंतु हम लोगों ने जिस निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरने का कार्य किया है, ये शहर बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। इसकी बुनियाद स्वर्गीय महापौर श्रीमती वीना अग्रवाल जी के द्वारा जो रखी गई थी, हमने उन कार्यों को आगे बढ़ाया है। आने वाले अगले महापौर इन सब कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ही मेरी अपेक्षा है, यही संकल्प है और यही हमारी भावना है।